नंबर एट देखिए, कह रहा है जी इज द सेट ऑफ ऑल मैट्रिक्स ऑफ द फॉर्म इस फॉर्म में, यानी एक्स की जगह यहाँ पे क्या हो सकता है, कोई भी रियल नंबर बट जीरो को छोड़कर। द आइडेंटिटी एलिमेंट विथ रिस्पेक्ट टू द मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स एज बाइनरी ऑपरेशन इज, इसमें से कौन सा होगा आइडेंटिटी एलिमेंट इसके लिए, मल्टीप्लीकेशन के लिए, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स के लिए। ठीक है, तो मुझे इसमें दिख रहा है आपका सी नंबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसमें इससे मल्टीप्लाई करूं, देखो मल्टीप्लीकेशन की ना बात कर रहे हैं यहाँ पे, रिलेशन आपका देख रहे हैं, ऑपरेशन का क्या हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। तो मैं अगर इसमें मल्टीप्लाई कर लूँ 1/2, 1/2, 1/2, 1/2 से, तो देखो क्या होता है, फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम से करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई समझ लो, ये मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई ऐसे करते हैं, फर्स्ट रो इसे बोलते हैं, इसे फर्स्ट कॉलम, तो इसके इस एलिमेंट इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट में और इसके इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट में, तो x/2 + x/2 आएगा, ऐड कर लेंगे मल्टीप्लाई करके दूसरे रो में फिर फर्स्ट कॉलम से, तो यहाँ भी आ जाएगा x/2 + x/2 तीस, है ना, फिर फर्स्ट रो में सेकेंड वाले कॉलम से करेंगे तो x/2 + x/2, यहाँ भी वही आ जाएगा, सेकेंड रो में सेकेंड कॉलम से करेंगे तो x/2 x/2। ये मैट्रिक्स चैप्टर में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2x/2 यानी कि x आ जाएगा, यहाँ भी x, यहाँ भी x, यहाँ भी x। तो मैं देख रहा हूँ कि इस मैट्रिक्स में इस किसी भी इस फॉर्म के किसी भी मैट्रिक्स से आप मल्टीप्लाई करोगे तो वही मैट्रिक्स आ जा रहा है, दैट मीन्स ये आपका आइडेंटिटी एलिमेंट ना हुआ जी, क्योंकि इसके साथ मल्टीप्लाई करने पे, यानी कि हमें जो बाइनरी ऑपरेशन दे रहा है उसको फॉलो करने पर हमें क्या मिल रहा है, वही मैट्रिक्स मिल जा रहा है, दैट मीन्स ये आपका